Hi, hello everyone. This is Chakit from BAC Global Education. Today's topic is very clear and very important. तो अगर आपको अपना सही प्रोग्राम चूज करना है, वीजा लेना है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके. Because as they said, half information is very dangerous. So watch this video till the end, so that आपको complete information मिले. So like आपने ये थंबनेल देखा है कि हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है करियर प्रोग्रेशन. Why everyone get rejection? जो कि अपनी SOP अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, या फिर जिन्होंने अपनी लेवल ऑफ स्टडी से नीचे का प्रोग्राम चूज किया हो, उनका रिजेक्शन क्यों आता है. So all these answers I am going to give you in this video, so stick around. So now, what is career progression? Why a visa officer is looking for progression of career? It's because visa officer wants to make sure कि आप जो पढ़ाई अभी तक आपने की है उससे आगे की पढ़ाई करने जा रहे हो, ना कि सिर्फ कंट्री में एंट्री करने जा रहे हो. So अगर कोई गैप प्रोफाइल वाला है, या किसी ने मास्टर्स की हुई है, या फिर आप बैचलर्स हो और आप एक एडवांस फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए जा रहे हो, ये वीडियो उन सबके लिए है. तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड है इस किसी भी जॉनर में जो फिट होता है, आप प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करना, सो दैट दे आल्सो गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वीजा आता है उनको जो लोग स्किल ओरिएंटेड फोकस्ड स्टडी लेते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑफर लेटर कि हमें वीजा आ जाए. सो आपको इस चीज पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि आपको जो आपका कोर्स कंटेंट है वो क्या है, आप उससे कौन से स्किल अचीव करना चाहते हो. कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, यूके में उन लोगों को पीआर मिलती है जो स्किल्ड कैटेगरी में फिट होते हैं. स्किल्ड कैटेगरी में कौन से लोग फिट होते हैं, जिनको जिस चीज की वो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्किल आता है, दे नो अबाउट इट, नॉट जस्ट द डिग्री. वो इंडिया में डिग्री चलती है कि आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब मिलेगी. बाहर किसी भी विदेशी कंट्री में जो सक्सेसफुल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में है, तो डोंट गिव अ डैम अबाउट द डिग्री, दे गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू नो, व्हाट यू कैन डू. सो योर स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम शाउटिंग because I want you to understand this, why those skills are important. कि आपको PR तभी मिलेगा जब आपके पास वो skill होगा. अगर आप वो skill को नहीं लोगे जो आप पढ़ने जा रहे हो, उसका outcome नहीं आएगा. Nobody in the world can get you PR until unless you get married there to a citizen. And I'm sure 90% of you don't want to do that. You want to get the PR in a legitimate way. So the legitimate way is that you focus on the skills. यही आपको अपनी SOP में लिखना है, यही आपको जब कोर्स सेलेक्ट करते हुए आपको कंपैरिजन देना है कि अगर आपने बैचलर्स इंडिया में की है तो आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और फिर मास्टर्स, आप उसमें जाओ. आपने इंडिया में मास्टर्स की हुई है, आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में भी वीजा ले सकते हो, बशर्ते आप वीजा ऑफिसर को ये समझाने में सक्षम हो कि जो इससे जो स्किल आएगा वो आज आपके पास नहीं है और उस स्किल से आपकी कैसे करियर प्रोग्रेशन होगी. ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बारीकियां हैं जो हर किसी को नहीं पता. आपको अपने काउंसलर से ये पूछना है, ये वीडियो उनको दिखाओ अपने काउंसलर्स को कि क्या आप मेरी SOP में मेरी करियर प्रोग्रेशन किस तरीके से दिखा रहे हो. सिर्फ गैप ईयर में फेक डिप्लोमा सर्टिफिकेट डालने से आपका करियर प्रोग्रेशन नहीं बनता, रेलिवेंसी नहीं मिलती. बहुत सारे बच्चे कॉल करके रोते हैं, लिटरली दे क्राई ओवर द फोन दैट कंसल्टेंट हैज स्पॉइल्ड देयर ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन कनाडा. क्योंकि बच्चों को पहले बताओ तो उनको लगता है कि सब ओके है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं हो रहा है. और जो इन बच्चों से मेरी बात हुई है, जो ये वीडियो देखेगी, उनको पता लगेगा कि आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स अप, दिस इज हैपनिंग विद इन द इंडस्ट्री. सो करियर प्रोग्रेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ करियर, दे आर इंटरलिंक्ड बाय द स्किल्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन कनाडा. स्किल्स, फोकस ऑन द स्किल, आपका स्किल क्या है, राइट. सो
आप अपनी रेलेवेंसी देखिए, आप करियर प्रोग्रेशन देखिए और उसके बाद आप कोर्स कंटेंट देखिए, उसकी जस्टिफिकेशन अच्छे से दीजिए। आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग योर वीजा विदाउट एनी प्रॉब्लम। फ्रीलांसिंग की जॉब के बाद भी अगर आपने फ्रीलांसिंग की है तब भी वीजा आ जाएगा, अगर आप सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करोगे। आपको फेक डिप्लोमा बनाने की जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप होती है उस वो इट इज काइंड ऑफ एन एजुकेशन जो आपके दिमाग को डेवलप करने में हेल्प करती है। हाउ द रियल वर्ल्ड वर्किंग सिनेरियो वर्क्स दैट यू कैन डिस्क्राइब इन योर एसओपी, तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। मैंने भी पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि अगर आपका गैप आ रहा है तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन कोर्स कर लो, बट हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, हमें चाहिए ही नहीं कि हमारा स्किल डेवलप हो, हमको चाहिए कि बस वीजा लग जाए किसी तरीके से। कैसे लगेगा वो वीजा ऑफिसर के, आप आई डोंट वॉन्ट टू से ऑल दोस वर्ड, बट फोकस ऑन द स्किल, फोकस ऑन द राइट पाथ। अनटिल अनलेस यू डोंट फॉलो द राइट पाथ, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इवन यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, यू डोंट नो द राइट पाथ। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। So I will like to end this video on this note that you will going to take this video very seriously and focus deep down on the course content and the skills what you are going to get from this course, and then I can challenge you or anybody else ki agar aap apne skills pe focus karoge aapka visa nahi reject hoga, aapko is cheez pe bahut acche se focus karna hai। If you have liked this video, then hit the like button, subscribe if this video was meaningful, and do give us a call for the authentic consultation. हमारा हेल्पलाइन नंबर है नीचे 8810435500. Give us a call on that number and we will help you out. I will help you out, my counselors will help you out, and we will do the hand holding in which we will guide you from applying for the right program, matching your skills, arranging all the visa documents and filing for your visa. So it's a complete process what you are going to get with us. Looking forward to speaking to you and have a wonderful day and keep on watching VAC Global Education. Bye-bye.